अगर कोई चीज कमाल हो तभी तो अपना सीक्वल बना पाती है, इसीलिए तो दबंग के बाद दबंग 2 आती है और दुनिया में पहली बार किसी एक्ट का सीक्वल आएगा। कृष्णा सुदेश का प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे के जन्म वाला वो माइंड ब्लोइंग एक्ट आज फिर दोहराया जाएगा। माँ, ये आवाज कहाँ से आई? माँ, मैं तुम्हारे पेट से बोल रहा हूँ। तुम्हारी इतनी बड़ी कोक कैसी है? बेटा, ये एक पंजाबन की कोक है, आजकल की लड़कियों की तरह डाइट कोक थोड़ी है, छोटी सी होगी। लेकिन एक नए अंदाज और एक नए मैसेज के साथ, सो प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश एंड सिद्धार्थ। दर्द हो रही है। दर्द हो रही है? मैंने तो पहले कहा था मेरे को सोने दे। कहती है नहीं, पर प्यार भरी बातें करेंगे। देखा कितनी बड़ी बात हो गई। बच्चा तो मुझे पैदा करना था, लड़का मुझे चाहिए था अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसका क्या सबूत है कि लड़का ही पैदा होगा? अगर लड़की पैदा होगी तो? लड़की होगी तो क्या, खिला पिला के अर्चना पूरन सिंह जैसा बना देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर लड़की ठीक है। ये कौन है? देखा, ये होती है औरतों की फितरत है। माँ क्या बन गई, अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल गई। अरे वो सोहेल खान है, तेरा बॉयफ्रेंड। अच्छा, वो तो अदनान जी हैं। हाँ, वो बैठे अपने मुल्क में, ऐसी पर्सनालिटी यहाँ तक नजर आ रहे हैं। अरे तो पागल हो गए, वो सचमुच में आए यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ देख कितनी स्लिम हो गए ना, काफी पतले हो गए। इतना पतले कैसे हो गए यार आप? टेंशन। किस बात की टेंशन? प्यार की टेंशन। काफी देर पहले इन्होंने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए, मैंने इनकार कर दिया। लेकिन धोखेबाज इंसान, मुझे क्या पता था ऐसे हो जाएगा बाद में। हैंडसम कहीं का। अरे इनका बालों में बहुत प्रॉब्लम था। पहले बड़े क्यूट से थे ना, ये जिस मोहल्ले में रहते थे वहां आसपास के होटलों में थाली सिस्टम कैंसिल कर दिया था उन्होंने। क्योंकि 200 रुपए की थाली में 20 करोड़ का खाना खा लेते थे। कई होटल वालों ने तो बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ था, आउटसाइड फूड एंड इनसाइड अदनान नॉट अलाउड। लेकिन एक बात कहूं, कुछ भी हो सोहेल साहब, बुरा नहीं मानना, आप मेरा पहला प्यार है। लेकिन जो अदनान जी है ना, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। इनको जब नींद आती सो जाते हैं, एक्ट देखते नहीं। इनको जब नींद आती गाना पूरा करके छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ कैसे? कैसे? भीगी रातों में मैं तो चलता हूँ। सुनो, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, अब तो तेरा पेट भरा है, तू तो कितना भी मजाक कर सकती है। हम लोगों का प्रॉब्लम है, गरीब लोग। अरे बहुत जरूरी काम से जाना है। सब स्टैंड अप से भाग रहे, क्यों जा रहे हैं? मुझे इस हालत में छोड़कर माँ बनने वाली। पता है क्या प्रॉब्लम है? अभी हमको एक एक एपिसोड के 4-4 लाख रुपए मिलते हैं। 3-4 कैरेक्टर नहीं करूंगा तो जस्टिफाई नहीं होगा ना। हम जज थोड़ी है यार, 4-4 कैरेक्टर करेंगे हम लोग, ऐसा थोड़ी होता है। नींद आई, थोड़ा आराम कर लूं, अंधेरा कर दो। दिन हो गया। ये मेरे पेट पे पानी की टंकी कौन रख के गया? अबे ये पानी की टंकी नहीं, तेरा पेट है। तो फिर ये बात चैनल वालों को बोलो, कलाकारों के भी पेट है, हमारी पेमेंट दे दो, भूखे मर रहे हैं। हाय हाय, मैं अपने बारे में सोचू कुछ खा लूं? कहते इन दिनों में कुछ खा लेना चाहिए। क्यों बहन जी, खाएंगे आप तो ठीक ठाक लगती, खा लो। मैं खाऊंगा, मैं पहले खाऊंगी। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं तेरी, ये माँ का सकीना, मैं खाऊंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये क्या हो रहा है? एक मिनट, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगा। ये क्या, एक तो मेरे पति का है, ये दूसरा मेरा, ये जुड़वा जोरदार ताली, एक लड़का एक लड़की हुई है, वाह। ये बिस्किट के लिए क्यों लड़ रहे हो तुम? हाँ तो बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट के लिए लड़ेंगे ना, प्रॉपर्टी के लिए बड़े होके लड़ूंगा। ओ, तू बड़ा होके प्रॉपर्टी के लिए लड़ेगा? लड़का हूँ, बड़े होके मुझे ही मिलेगी। अच्छा, तेरे को पता नहीं तू भिखारियों क्या पैदा हुआ है, समझा? कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तेरा बाप है ना, ढंग की माँ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, कैसे आदमी को साड़ी पहनाकर माँ बनाया हुआ इन लोगों ने। बकवास की मुक्का मारूंगा तेरे। ये कौन है? ये वो है
थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे मुझको एरोप्लेन। अरे अदनान जी एक बात बताओ, ये चीची मामा के साथ आपने गाना किया था ना थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, उसके बाद साथ में काम क्यों नहीं किया आप दोनों ने? ए, चुप कर, ये बात करनी नहीं। क्यों? वो थोड़ा झगड़ा हो गया था। झगड़ा किस बात पे? बेटे शूटिंग पे गोविंदा जी कपड़े बदल रहे थे इनके पीछे और ये आगे से हट गए, गुस्सा आ गया गोविंदा जी को, कहते मैं तेल बेच लूंगा तेरे साथ काम नहीं करना। तू अकेली पैदा नहीं हो सकती थी, मेरे साथ पैदा क्यों हो रही है? तेरे को मालूम है अभी हमारे देश का यह हाल है, कोई भी लड़की अकेली कहीं भी नहीं जा सकती, अगर भाई साथ रहेगा कम से कम सेफ तो रहूंगी मैं, है कि नहीं? ठीक बात है, उधर हो चल, मेरे को जगह चाहिए। ज्यादा बोलेंगे ना मारूंगी मैं। वैसे ही तेरे को इतनी जगह मिली है, तेरे को मालूम है तू पैदा होगा ना बंबई में इतनी भी जगह नहीं मिलेगी तेरे को रहने के लिए। तुमने बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेटा हम बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन ये ऑप्टी वाले हमें जाने नहीं देते। आपने देखा हमने पुराने एक्ट का सीक्वल किया, इससे मैंने साबित कर दिया कि सुदेश का पेट कृष्णा ही भर सकता है। चलो अब मैं भी कह सकती हूँ इन दोनों कलाकारों को मैंने जन्म दिया है, जोरदार तालियां। हाँ जन्म दो ना, अभी जल्दी टाइम हो गया है। ओके बेटा मेरे को बताओ ना, मेरे को दर्द ही नहीं हो रही ना, तुम लात मार रहे हो, इतने शरीफ बच्चे पैदा हो रहे हैं। बेटा निकल गई हूँ, मारते रहो लात। बेटा अंधेरे में जन्म लेना सबके सामने बेइज्जती। और इस तरह दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। माँ का प्यार अपने बेटे के लिए ज्यादा और ना जाने बेटी के लिए क्यों कम होता है। जिस बेटे को उसकी माँ ने इतने लाड़ प्यार से पाला था वो शादी के बाद क्या कहता है, आइए देखते हैं। माँ माँ कहाँ मर गई बुढ़िया? ए बुढ़िया किसको बोला, बुढ़िया होगी तेरी माँ। और किसको बोला मर गई, अभी नहीं मरती, मैंने बहुत पेमेंट लेनी है यहाँ से। तेरे को क्या बोला था, अपने कपड़े धोती है तो बहू के साथ में धोया कर। बेटे बहू के कपड़े मैंने धो दिए, संभाल के रखे। कहाँ है? बहू के कपड़े नहीं है, फ्रिज साफ करने का कपड़ा ये। हाँ इसका मतलब बहू के कपड़ों से मैं फ्रिज साफ करके आई हूँ। खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास की तो बाहर निकल जाए यहाँ से। अरे कमीने शर्म कर, तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा गया इसलिए कि तू मुझे घर से निकाल दे, मैं कहाँ रहूंगी? मैंने तेरे लिए वृद्ध आश्रम में कमरा बुक करा है, श्रुति सेठ के बगल वाला, वहां तू रह सकती है। बेटा तू मुझे गोली मार दे लेकिन मैं बुड्ढी के साथ नहीं रहूंगी। शर्म आनी चाहिए तेरे को। बाहर निकल जा। मैं नहीं निकलूंगी। निकल बाहर। बात कर। बाहर निकल। भैया क्या कर रहे हो तुम? आ गई गंवार तू? गंवार कौन है अभी पता चल जाएगा। अरे पढ़ा लिखा गंवार तो तू है जो अपनी बुढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल रहा है। माँ डायलॉग बोल ना, माँ बोलती क्यों नहीं? तेरा है। सारे गाना पता नहीं सना दिया। बेटा तेरे को क्या बताऊं, सानी दबा मैं घर से। बेटा इस लड़की ने मेरा जीना सारे गाना पता नहीं सा, मैं तुमको बता नहीं पाया। बेटा मैंने इसको इतना प्यार दिया लड़के को लेकिन इसने सानी दबा मांगा रेसा। मेरा बेड़ा कर मुझे कहता है घर से बाहर निकल जा, धक्के मारे मेरे को बेटी। नर्क में जाएगा तू, याद रखना। माँ माँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान दूंगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगी पिलाऊंगी। वाह अच्छा हुआ बेटी तू आ गई। अच्छा तो मैंने उसी दिन कर दिया था माँ जिस दिन मैंने यहाँ पर जन्म लिया था तुम्हारे घर के अंदर। अर्चना जी याद है आपने पिछली बार कहा था कि ये वैसा मंच नहीं है, यहाँ पर इस तरीके के मैसेजेस मत दिया करो। बट आई थिंक अर्चना जी इन मैसेजेस के लिए जो मंच है वहाँ पर इन चीज़ों का उन लोगों ने मजाक बनाया हुआ, तो हम लोगों ने सोचा हमारे कॉमेडी सर्कस में क्यों ना हम एक छोटा सा फिर से ये मैसेज दें आप सभी लोगों को। अदनान कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जबरदस्त थी लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने पैगाम पेश किया है बहुत गहरा पैगाम है, बहुत बहुत शुक्रिया।
सोहेल, कृष्णा आपने सही कहा है, यही ऐसे मंच है जो भी हमको कहना है हंसी मजाक करते हुए लेकिन एक सीरियस नोट को लेके, तो फॉर द मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे, फॉर दैट आई विल गिव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू सर। आर्ची, जब आपने पहली बार ये एक्ट किया था, ये सीक्वल है, पार्ट टू है, ये कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, लेकिन उसमें एक नयापन आप लाए कि अब एक बेटी नहीं एक जुड़वा है, लेकिन आज इस बेटी का मसला जो बहुत रैम्पेंट है हमारे देश में और बेटी की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, उसको आपने एक बार फिर ताज़ा किया है कॉमेडी के इस मंच पर। और बहुत सही बोला है कि बाकी सारे मंच हैं जो इस मसले के लिए उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें मजाक बनाकर रख दिया है, तो आज हम इस अपने मजाक के मंच को एक आवाज़ दें और एक बहुत सीरियस बात कहें एक अनोखे अंदाज में, हमारे कॉमेडी सर्कस के अंदाज में। थैंक यू आर्ची। तो जजेस, टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। अर्चना 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना, सुहेल 10 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल।